चलिए, इतिहास और संविधान के विकास में आज हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज हम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन इंडिया का पार्ट थर्ड करेंगे और आज हम इसे यहाँ पर वाइंड अप करेंगे एक कंप्लीट बुक के थ्रू। इससे आगे ले जाने की नीड हुई तो ले जाएंगे। हमने पिछले लेक्चर के तहत अच्छे से समझा कि किस तरह से फंडामेंटल राइट्स, जो लास्ट कुछ मिनट्स में हमने जो पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, जुडिशरी का उसमें कितना सेक्रेड रोल है और जुडिशरी को क्यों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से सेपरेट रखने की बात होती है, क्योंकि जुडिशरी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है भारत में जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की एक सोल अथॉरिटी है, वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जुडिशरी की कि फंडामेंटल राइट्स की सेंक्टिटी को इंटैक्ट रखे जब कभी भी स्टेट उन्हें इनक्रोच करने की कोशिश करे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसलिए जुडिशरी के पास एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल रिव्यू की पावर है आर्टिकल 13 के तहत, और इसी जुडिशियल रिव्यू की पावर के तहत अब तक जुडिशरी कई जजमेंट्स देती आई है और लेजिस्लेचर के कई लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती आई है, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करती आई है, और इन्हीं रूलिंग्स के माध्यम से बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी का एवोल्यूशन हुआ जो आज दिन तक एवोल्यूशनरी है, वो बढ़ती ही जा रही है, और उन फीचर्स को किसी भी तरह से डिस्टॉर्ट करना या इस हद तक ट्रांसफॉर्म कर देना कि फीचर अपने आप में ही ख़त्म हो जाए या बदल जाए, ये अनुमति किसी को भी नहीं है। इसी तरह से आपके अधिकार सुरक्षित है। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज उसी में द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन इंडिया में ही हमारा जो ये मेन हेडिंग्स हैं वो तीन हैं: टुवर्ड्स अ डेमोक्रेटिक स्टेट स्ट्रक्चर, द इलेक्टोरल सिस्टम, फेडरल पॉलिटी वर्सेस सेंट्रलिज्म, ऑप्शन ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो डेमोक्रेटिक स्टेट स्ट्रक्चर, इलेक्टोरल सिस्टम और फेडरल वर्सेस सेंट्रलिज्म, आज इनके तहत हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है टुवर्ड्स अ डेमोक्रेटिक स्टेट स्ट्रक्चर। देखिए, एक लिबरल ट्रेडिशन और लिबरल अथॉरिटीज़ का कंसेप्ट इंडिया में बहुत पुराना रहा। मॉडर्न सोसाइटी की अगर हम बात करें तो रेनेसेंस के समय से ही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स की डिमांड की जाने लगी थी, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। और राजा राममोहन रॉय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर उभर करके आए, इसलिए उन्हें पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात की, सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म करने की बात की, उसको इंडियनाइज करने की बात की, एजुकेशन सिस्टम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करने की बात की, जो ऑर्थोडॉक्स इंडियन सोसाइटी थी उसे ओपन करने की बात की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ने की एक दिशा दिखाई उन्होंने, और गवर्नमेंट को मोटिवेट किया, सपोर्ट किया कि वो जितने सोशल लेवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में उन्हें अंत करे और सभी को बराबरी का अधिकार दे। जैसे वुमेन के लिए काफ़ी कुछ किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कराने के लिए भी उन्होंने प्रयास किए। इस तरह से राजा राममोहन रॉय ने लोगों में एक नई चेतना फूंकने का काम किया। उन्होंने भारतीय ग्रंथों के माध्यम से अब तक जो लोगों तक पहुँचाया जा रहा था एक डिस्टॉर्टेड वर्जन कि भाई समाज में यह कुरीतियाँ, जैसे कि सती प्रथा, यह वेदों में और भारतीय धर्म ग्रंथों में गिवन है। उन्होंने वेद धर्म ग्रंथ इन्हीं का उदाहरण दे करके उन्हीं के वर्सेस कोर्ट किए और लोगों को सच्चाई से अवगत कराया। ये एक इनका इम्पॉर्टेंट रोल था। ऐसे में वो गवर्नमेंट के एंड पर ऑलवेज़ यह चाहते थे कि गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। जब इंडियंस को वो सोशल इविल से बाहर कर रहे हैं, उन्हें एक पॉलिटिकल अवेकनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका सीधा उद्देश्य यह भी तो बनता है कि वो उस समय की गवर्नमेंट से भी सवाल करेंगे। कौन वो लोग? जो लोग चेतन हो जाएंगे, जो अपने ही धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के प्रयास करेंगे, जो अपने समाज की कुरीतियों को दूर करने की बात करेंगे, तो वह यह कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि जो बाहरी लोग आकर के उन पर शासन कर रहे हैं उनके शासन में भी कमियां हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो वह हर गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और राजा राममोहन रॉय इसी के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे। ऐसे में राजा राममोहन रॉय के द्वारा यह तैयारियाँ इस बात का प्रमाण थी कि ब्रिटिशर्स के ऊपर ऑटोमेटिकली एक पॉलिटिकल और सोशल मॉरल फोर्स वर्क कर रही थी,
कि उन्हें इंडियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल लॉज बनाने थे, रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस देने थे। तो इसकी शुरुआत तभी से हुई। तो रेनेसेंस पीरियड से लेकर के 1947 तक अगर आप आएंगे तो एक लिबरल ट्रेडिशन, लिबरल अथॉरिटीज़ का कंसेप्ट इंडिया में स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर रहा था। और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, इंडियन पॉलिटिशियंस, जिनमें मेनली एजुकेटेड एलीट क्लासेस आती हैं शुरुआती दौर में, ये ब्रिटिशर्स की राजनीतिक प्रणाली से, ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र से, जितना भी उनका गवर्नमेंट सिस्टम था, अपरेटस था, और जो उनका पॉलिटिकल प्रोसेस एग्जिस्ट करता था भारत में, उससे बहुत अच्छे से अवगत हो चुके थे, फैमिलियर हो चुके थे। लगातार ब्रिटिश रूलर इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन की वजह से चाहे लो कैडर जॉब्स में ही सही, लेकिन इंडियंस को इंडक्ट करना शुरू कर चुके थे। और इसकी शुरुआत बहुत तेज़ी से हुई 1820s के बाद, क्योंकि फिर उस समय तक एडमिनिस्ट्रेशन देने की ज़रूरत आन पड़ी थी, क्योंकि काफ़ी हद तक इंडिया ऑक्यूपाई हो चुका था। और ये फिर और बड़े स्तर पर पहुंचा जब 1850s तक ऑलमोस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत काफ़ी हद तक भारत अंग्रेज़ों के कंट्रोल में जा चुका था। ऐसे में भारतीयों की एंट्री तो होनी शुरू हुई ही थी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है। किस तरह से ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम वर्क करता है, ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव सिस्टम, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव सिस्टम, इसकी जानकारी मिलनी शुरू हुई भारतीयों को, ये बड़ी चीज़ थी। और फिर ब्रिटेन में ओरिजिनली क्या एग्जिस्ट करता है, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे में जब उनकी कंट्री में पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता था, तो भारत में भी वह वही सिस्टम के तहत काम कर रहे थे, क्योंकि मदर कंट्री से जो लॉज बन के आते थे, जो सिस्टम डिसाइड होता था, वो यहाँ पर फॉलो किया जाता था। इंडियंस उन्हीं चीज़ का एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे। 1861 के काउंसिल एक्ट से इंडियंस को इनडायरेक्टली ही सही, नॉमिनेशन के बेसिस पे ही सही, लेकिन एक जगह मिलनी शुरू हुई पोर्टफोलियो हैंडल करने, मंत्रालय संभालने और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। ये 1892 के काउंसिल एक्ट में थोड़ा और एक्सपेंड हुआ और 1909 में ये एक्सपेंड हुआ, चुनाव के माध्यम से ये चीज़ होने लगी। इस तरह से इंडियंस को एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस था ब्रिटिशर्स के साथ काम करने का। सभी तरह के प्रॉज एंड कॉन्स उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किए कि किस क्या क्या कमियां हैं ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। उनको सुधारने के लिए लंबे चले भारत के आंदोलन, जिन आंदोलनों में मीडिया का बहुत रोल था और लोगों की सीधी जन भागीदारी उसमें रही है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हमारे जो फ्रंट लाइन पॉलिटिशियंस थे, लोगों की जन भागीदारी के तहत उन्होंने ये सीखा कि लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या वो उम्मीदें रखते हैं सरकारों से, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। फिर यह भी देख पाए वो कि कैपेबिलिटीज़ क्या हैं हमारे लोगों की, लिटरेसी रेट क्या है, पॉलिटिक्स को लेकर के उनकी जानकारी कितनी है, वो कितने सशक्त ढंग से आने वाले समय में इंडिया की पॉलिटिक्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या क्या कौन से कमी वाले क्षेत्र हैं कि वो किन किन चीज़ों में योगदान नहीं दे पाएंगे, ये बहुत अच्छे से समझा। और उसी ब्रिटिश तंत्र को सुधारने के लिए लंबे समय तक धरने प्रदर्शन किए, मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुए, तो मास मूवमेंट भी हुए, प्रेयर्स भी हुई, पिटीशंस भी हुई, प्लीज भी लगाई गई, जो उस समय रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के तहत अधिकार दिए गए भारतीयों को, उन्हें इंडक्ट किया गया लॉ और लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाली बॉडीज़ में, जैसे प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उनमें जा करके भी भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज़ रखी, किस तरह से क्वेश्चंस रखे जाते हैं, क्या रोल होता है एक स्पीकर का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, सब्सिडरी क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, किस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास पावर्स होती हैं किसी भी मोशन को एक्सेप्ट करने की, कैंसिल करने की, गवर्नर जनरल का क्या रोल है, उसकी वीटोज़ की पावर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट किस तरह से जा सकती हैं और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने में उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, ओपोजिशन का क्या रोल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव रोल जिसे हम कहते हैं, जो मंत्रीगण बनते हैं, जो लेजिस्लेचर से निकलती हुई एक एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूटिव किस तरह से जनता के प्रति अधिकतर रिस्पॉन्सिबल रहे, अकाउंटेबल रहे, उसके लिए कौन सा सिस्टम अपनाएं, क्या उसे हम टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल बना दें उस एग्जीक्यूटिव को, इस तरह के सभी लंबे अनुभव ग्रहण किए इन हमारे राजनेताओं ने, जिन्होंने भारत के लिए अच्छा खासा फ्रीडम स्ट्रगल का एक अभियान, एक आंदोलन चलाया। इसके तहत
इस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के माध्यम से भारतीय लोगों के उस अच्छे आंकलन से, यानी कि उनके अच्छे एवेल्युएशन से और गेन हुए एक्सपीरियंसेस से ये तय किया गया कि पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के लिए बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। तो उसी के लिए पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में एक्सेप्ट किया गया, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उसके लिए ही यहाँ पर ही मैंने ये लिखी है सब हेडिंग कि पार्लियामेंटरी सिस्टम एट द सेंटर। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द सेंटर क्या मतलब है इस बात का? देखिए, अधिकतर ये होता है कि एक डिबेट रहती है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज़्यादा बेटर है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसे तो हम डिस्कस करेंगे जब आने वाले दिनों में पॉलिटी के लेक्चर करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये उस डिबेट का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी हद तक आज आपको पिक्चर उस कॉन्टेक्स्ट में क्लियर कर दूंगा कि क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान बनाने वाले हमारे उन नेताओं ने यह तय किया कि पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भारत को ज़रूरत है। उसके आधार में आपको समझा दूंगा। देखिए, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह तय किया कि इंडिया के लिए जो इंडियन स्टेट है उसकी जो पावर है, उस पावर को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए ज़मीनी स्तर पर। तो इंडियन स्टेट को जो एक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड करना है, वो किस तरह का स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया जाए, जो इंडियन स्टेट की पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं वो किस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं। तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो पद्धति चुनी गई वो चुनी गई पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब मात्र ये नहीं होता कि जहाँ पर पार्लियामेंट बना हुआ है वहाँ पर पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर कुछ प्रोसेस हैं, कुछ मेथड्स और कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझते हैं तो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ आता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो सही मायने में सरकार, जिसे आप समझते हैं, जो आपको दिखते हैं लोग, प्रधानमंत्री दिखते हैं, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर दिखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये मुख्यतः यह मंत्री और प्रधानमंत्री आपको दिखते हैं। इस तरह के ये सभी मंत्रियों के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं। तो ये मेन मिनिस्टर्स हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आ जाते हैं, फिर उनके नीचे डिप्टी मिनिस्टर्स आ जाते हैं। इस तरह से मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स मिला जुला करके कोई 70-75 मेंबर्स की एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है, जिसे हम, काउंसिल का मतलब परिषद और मिनिस्टर्स का मतलब मंत्री, तो इसे हम मंत्री परिषद कहते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही सही मायने में कार्यकारिणी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका भी इसे आप कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव। तो ये है जो नीतियों को ज़मीनी स्तर पर एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब सरकार, जो आपको गवर्नेंस प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट का ये रोल होता है। तो सरकार का सीधा सीधा टेक्निकल मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैंने आपको भी बताया था कि फिर कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स MOS जिन्हें कहते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं। इसी तरह से अगर हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डिप्टी मिनिस्टर को अगर छोड़ दें और हर मिनिस्ट्री के सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को उठा लें, तो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकल करके ये कैबिनेट मिनिस्टर्स रह जाते हैं कुछ 20-25, तो ये बनाते हैं एक कैबिनेट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही छोटा वर्जन कैबिनेट कहलाता है, जो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स से मोस्टली बनता है, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो चाहे कैबिनेट हो। इनके हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इस तरह से इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट्स, दोनों में से जो भी शब्द आपको चुनना है, डिफरेंट डिफरेंट समय पे कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना रोल प्ले करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इनके हेड के तौर पर रोल प्ले करते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो सरकार, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है, इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। क्योंकि जब हम भारत की बात कर रहे हैं और बात यहाँ पर सेंटर की हो रही है, तो सेंटर में हमारे कंट्री में जो लेजिस्लेचर है, जो विधान पालिका है, जो विधान बनाने का काम करती है, वो पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है हर कंट्रीज़ में।
हर कंट्री में उसके अलग अलग अपने अपने नाम हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसे कांग्रेस कहते हैं, लेकिन भारत में उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद, जहाँ पर आपके सांसद बैठते हैं, यानी कि MPs, माने कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस तरह से ये जो सेंटर है, जिसकी लेजिस्लेचर का नाम पार्लियामेंट है, जहाँ कानून बनते हैं, द लॉ मेकिंग बॉडी, हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि जो सरकार है, यानी कि सभी मंत्रीगण, प्रधानमंत्री, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टूवर्ड्स द पार्लियामेंट। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन से मंत्री या प्रधानमंत्री होंगे, ये इस बात से तय होता है कि किस पार्टी के पास पार्लियामेंट के अंदर जो दो हाउसेज हैं, लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा, तो किस पार्टी के पास लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में मेजॉरिटी सीट्स हैं। किसी एक पार्टी के पास हैं तो ठीक है, वरना कोलिशन भी हो सकता है, दो तीन चार जितनी पार्टियां चाहे मिल भी सकती हैं। नियम यह है कि उनके पास मेजॉरिटी सीट्स होनी चाहिए। अगर उनके पास मेजॉरिटी सीट्स हैं तो फिर राष्ट्रपति उन्हें निमंत्रण देते हैं सरकार बनाने का, और फिर जो उस कोलिशन पार्टी का या फिर किसी भी इंडिविजुअल पार्टी का जो लीडर होता है, जिसे उस पार्टी के या उस कोलिशन के MPs मिल करके अपने MP ग्रुप का यानी कि सांसद दल का नेता चुनते हैं, उस नेता को फिर राष्ट्रपति बुला करके प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री आपके देश में सही मायने में डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। आप किसी PM को वोट नहीं डालते, आप तो सिंपली MPs को वोट डालते हैं। जिस भी किसी पार्टी या किसी कोलिशन ग्रुप के ज़्यादा MPs होते हैं, यानी कि मेजॉरिटी MPs होते हैं लोकसभा में, फिर वो MP मिलकर के आपस में जो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, सांसद दल, फिर वो तय करते हैं कि उनके सांसद दल का नेता कौन है। उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं था कि सीधा आपने PM चुना, और मतलब ये भी नहीं था कि राष्ट्रपति ने PM अपॉइंट किया। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, वो भी बाउंड हैं मेजॉरिटी पार्टी के सांसद दल के नेता को ही उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है, तो वो प्रधानमंत्री बना देते हैं। फिर वह प्रधानमंत्री किसी लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी सदस्यों को, ज़रूरी नहीं होता कि अपनी पार्टी से ही, पहली बात, या अपनी कोलिशन से ही, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा से ही, लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी, अपनी पार्टी अपनी कोलिशन से या उसके बाहर भी किसी को भी प्रधानमंत्री चाहें तो फिर मंत्री पद के ऊपर नियुक्त करा लेते हैं, और वो नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इस तरह से ये जो आपकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उभर करके आई, एग्जीक्यूटिव जो उभर करके आई, सही मायने में इसके जन्म का स्रोत कहाँ है? इसके जन्म का स्रोत जो है वो लोकसभा है। अगर वह पार्टी या वह कॉलिशन के पास मेजॉरिटी सीट्स लोकसभा में नहीं होती, तो सही मायने में फिर कभी भी उस पार्टी या उस कोलिशन का सांसद दल का कोई नेता प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता राष्ट्रपति के द्वारा। और यदि वह प्रधानमंत्री ही नहीं बनता तो फिर वो कैसे चुनता अपने मंत्रीगण, और राष्ट्रपति फिर उन्हें मंत्री कैसे नियुक्त करते, ये हो नहीं पाता। तो फिर प्रधानमंत्री और मंत्री से युक्त एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमें नहीं मिल पाती, सरकार नहीं मिल पाती। तो सरकार हमें तभी मिली है यदि एक संसद है, संसद में एक लोअर हाउस यानी कि लोकसभा है, और लोकसभा में सबसे बड़ी बात कि मेजॉरिटी में है वो पार्टी या वो कोलिशन। तो ऐसे में अब उदाहरण मान लें कि यदि वो पार्टी या कोलिशन लोकसभा में मेजॉरिटी में ही नहीं रहती है, तो फिर जो बाहर सरकार भी चल रही है, यानी कि जो सांसद हैं, सॉरी, यानी कि जो मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके पास भी तो वह शक्ति नहीं रह जाएगी कि वह सरकार के तौर पर काम कर ले, क्योंकि सही मायने में सरकार तो बाद में बनी है, पहले तो उनके पास मेजॉरिटी सीट्स थी। तो जब मेजॉरिटी सीट्स ही वहाँ ख़त्म हो गई, तो फिर उनके सांसद दलों के पास, उनके ग्रुप ऑफ MP के पास ये ताकत ही नहीं है कि वो अपने नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करा ले। लेकिन प्रधानमंत्री तो बना हुआ है और उसके चुने मंत्री भी हैं, तो फिर उनसे शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है कि प्रमाणित करिए कि लोकसभा में आपके पास मेजॉरिटी सीट्स हैं। इसे फ्लोर टेस्ट कहते हैं। ये हमें तब करना पड़ता है यदि हमारे खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दे, मतलब ये कि ये जो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इस पे अब लोकसभा को कॉन्फिडेंस नहीं रह गया, मतलब इसका कॉन्फिडेंस अब यहाँ पर नहीं है क्योंकि इसकी मेजॉरिटी सीट्स नहीं है। तो ऐसे में उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के सामने फ्लोर टेस्ट में प्रमाणित करना होता है कि हमारे पास इतनी सीट्स हैं। यदि वो नहीं प्रमाणित हुआ तो आपको मंत्री और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये बहुत हुआ, अभी पीछे कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर के तौर पर बीएस येदियुरप्पा शपथ ग्रहण कर गए थे लेकिन उसके बाद वो नहीं कर पाए थे, प्रूव नहीं कर पाए थे फ्लोर टेस्ट, उन्हें जाना पड़ा, फिर चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसी तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे लेकिन अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में गए, तो फिर कमलनाथ यानी कि कांग्रेस के पास सीट्स नहीं रह गई मेजॉरिटी की। तो ऐसे में फिर वापस से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के। भारत भर में ऐसा चलता रहता है, ये होता रहता है। तो मुद्दा ये है कि हमारे देश में हमारी जो एग्जीक्यूटिव है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यतः टुवर्ड्स द लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में अगर मेजॉरिटी सीट्स आपके पास हैं तो ही आप सत्ता में रह सकते हैं, सरकार में रह सकते हैं, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में एग्जीक्यूटिव या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो देखिए, पार्लियामेंट यहाँ पर शक्तियों का स्रोत है, पार्लियामेंट सरकार के जन्म का स्थान है, पार्लियामेंट को हमने चुना है जनता के नुमाइंदे के तौर पर, सभी के सभी नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में आके बैठ रहे हैं और जनता के लिए सरकार है। इसलिए सरकार जब तक उस पार्लियामेंट में जहाँ पर कानून बनेंगे वहाँ पर अगर मेजॉरिटी में है उनकी पार्टी या उनकी कोलिशन तभी तक सरकार रह सकती है, अदरवाइज़ वो नहीं रह सकती। ये एक पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर कंसेप्ट उभर कर के आया है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सी डिबेट रहती है कि भारत ने इसे क्यों चुना, इस कंसेप्ट को क्यों चुना। पहले तो एक वर्ड क्लियर कर लूँ कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका मतलब ये हो जाता है कि अकेला एक मंत्री कोई सिर्फ लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं। अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट होता तो हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट जब ब्रिटिशर्स की थी कंट्री में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में उन्होंने मिनिस्टर्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की थी। ऐसे में हर मिनिस्टर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल था लेजिस्लेचर को। ऐसे में जो उस समय के गवर्नर हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, वो कुछ मिनिस्टर्स को अपने फेवर में कर लेते थे इस डर से कि जो दूसरे मिनिस्टर हमारी बात नहीं मानते हैं उनकी हम बर्खास्तगी करा देंगे। यानी कि अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट हो तो जो भी मिनिस्टर गवर्नर की बात नहीं मानता था उस मिनिस्टर की बहाली ख़त्म करा देते थे, मतलब लेजिस्लेचर में इस तरह के समीकरण बनवा देते थे आंकड़ों के कि उसको ख़त्म करा देते थे, उसका पोर्टफोलियो चला जाता था, ऐसा प्रूव हो जाता था कि उसके पास अब कॉन्फिडेंस नहीं है लेजिस्लेचर का। इसके डर से फिर दूसरे मंत्री गवर्नर की बात मानना शुरू हो जाते थे तो फेवरेटिज़म होता था, करप्शन होती थी, जनता के हाथ में शक्तियाँ नहीं होती थी। लेकिन इसी गलती से सीखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने और उन्होंने ये लंबे समय तक प्रयास किया, मेहनत की और मांग रखी कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक साथ ही स्विम करेंगे या एक साथ ही सिंक कर जाएंगे। तो स्विम एंड सिंक इकट्ठे करते हैं हमारे देश के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बड़ी चीज़ है और ये लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर अगर कोई एक मिनिस्टर कोई भी बिल प्रपोज करता है चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में और वह बिल पास नहीं हो पा रहा है तो इसका यह प्रमाण माना जाता है कि भाई सरकार के पास पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस नहीं रहा। तो ऐसे में सरकार को फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ सकता है, अपने आंकड़े प्रमाणित करने पड़ सकते हैं कि हमारे पास बल है। ये नहीं कहा जा सकता उस समय कि क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने या डिफेंस मिनिस्टर ने या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये बिल प्रेजेंट किया था, बिल नहीं पास हुआ तो चलिए इस मिनिस्टर को इसके पद से हटा दें, बिल्कुल नहीं। वो मिनिस्टर उस सरकार की बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जो बिल उसने पेश किया वो गवर्नमेंट बिल है, उसे गवर्नमेंट बिल कहा जाता है, वो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं है। तो वो गवर्नमेंट की बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है सरकार को, और सरकार का मतलब यहाँ से एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इसीलिए
जो भी डिसीजंस होते हैं आप अक्सर देखते होंगे, चाहे वो डिफेंस का है, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर का है, चाहे फाइनेंस का, कुछ भी है, डिसीजन कैबिनेट में लिया जाता है। तो मतलब सभी मंत्रीगणों पर क्योंकि जिम्मेदारी आ जाती है, कोई भी मंत्री ये कह सकता है कि उस मंत्री की गलती की वजह से हम सबका पोर्टफोलियो चला गया, सरकार गिर गई, इससे बेहतर होता कि हम सबसे चर्चा होती। इसलिए किसी भी मंत्रालय का निर्णय हो लेकिन उसका डिसीजन कैबिनेट में होता है, और आप अक्सर सुनते हैं कि कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है, अब इसे संसद में पेश किया जाएगा, तो कैबिनेट में उसे प्रेजेंट किया जाता है। इनफैक्ट हमारे देश के राष्ट्रपति को और राज्यों के गवर्नर्स को भी ये ताकत है कि यदि प्रधानमंत्री कोई प्रोविजन कैबिनेट में प्रेजेंट किए बिना ही यदि प्रेजेंट कर रहा है लेजिस्लेचर में, तो प्रधानमंत्री को वो कह सकते हैं राष्ट्रपति कि आप इसे कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने प्रेजेंट करिए सभी मंत्रियों के बीच में। ये शक्तियाँ हमारे देश के राष्ट्रपति को है और ये भी लोकतंत्र को बहाल करने की बहुत बड़ी शक्ति है। तो कुल मिलाकर के इन शक्तियों के क्या उद्देश्य हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट कैसे वर्क करता है, कि सभी मंत्रीगण मिलकर के निर्णय लेंगे, और जब सभी मंत्रीगण मिलकर के निर्णय लेंगे सभी के सभी कलेक्टिवली ही आगे बढ़ेंगे, कलेक्टिवली ही पीछे हटेंगे, गिरेंगे या पार लगेंगे। इससे सरकार के अंदर एक दूसरे मंत्री पर छींटाकशी नहीं हो सकती कि उसकी गलतियां थी, हमारी सरकार की कमी नहीं थी या हमारी गलतियां नहीं थी। सारी सरकार एक साथ जिम्मेदार है, जब अच्छा काम होगा सारी सरकार को श्रेय मिलेगा, गलत है तो सरकार का ही क्रिटिसिज्म होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गवर्नमेंट को एक कलेक्टिव बॉडी की तरह इमेजिन किया जाता है, देखा जाता है, क्योंकि सब कुछ इंटीग्रल है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर नियुक्त रखी गई है प्रोविजन, इसी के तहत पूरी की पूरी लोकसभा, जिसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी के एमपी नहीं होते, ऑपोजिशन के एमपी भी होते हैं, वो जो सरकार नहीं बना पाए तो क्या हुआ, वो मेंबर पार्लियामेंट है, और प्रत्येक एमपी सीधे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता को, पूरे देश की जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में वह जो जनता के चुने नुमाइंदे हैं, जिन नुमाइंदों में से कुछ ने सरकार बना ली है, लेकिन उसी पार्टी के बाकी के एमपी जो सरकार के मंत्री नहीं हैं, दूसरी पार्टियों के एमपी, सभी एमपी जो वहाँ संसद में बैठते हैं उनको पूरा अधिकार है सरकार से सवाल प्रश्न करने के, यानी कि मंत्रियों से, और ये अधिकार ही इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाता है, क्योंकि उन्हें ये अधिकार जनता ने दिया है और वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे सरकार पर चेक आता है, सरकार पर अकाउंटेबिलिटी तय होती है। यही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट, कि हमारे देश की सरकार, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संसद के प्रति जवाबदेह है, जिम्मेदार है। वो सत्ता में भी तब तक रहेगी जब तक उसका वहाँ कॉन्फिडेंस रहेगा, मेजॉरिटी में रहेगी, वो अपने हर किए हुए काम के लिए जिम्मेदार है संसद के प्रति। उसे कोई भी काम करने के लिए शक्तियाँ भी संसद देगी, क्योंकि कानून वहाँ से पास होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। काम होने के बाद सारी जवाबदारी भी संसद में होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पूरे 5 वर्ष तक सरकार से सवाल जवाब करने के लिए आपके देश में आपके बिहाफ पर आपके एक संसद है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सभी MP पूरी तरह से इम्पार्शल होकर के सच्ची निष्ठा संविधान के प्रति रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो यह प्रक्रिया ठोस और मजबूत और सही मायने में लोकतांत्रिक हो पाती है। अगर ये ना हो पाए तो फिर यहाँ पर लोकतंत्र को आघात पहुँचता है, वो एक अलग डिबेट का विषय है। लेकिन पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ऐसे में जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट इसमें माना गया टूवर्ड्स द पार्लियामेंट, तो इसे पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह दिया गया। लेकिन अगर ध्यान से इसको सोचा जाए, तो मैंने अभी बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर को जब एक बार चुन लेते हैं राष्ट्रपति, तो प्राइम मिनिस्टर ही आगे चुनते हैं मिनिस्टर्स, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जिस भी कैंडिडेट को मिनिस्टर चुनना चाहते हैं उसे ही राष्ट्रपति फिर मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है चुनने के लिए फर्दर मिनिस्टर्स को, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें तो फिर ये माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ही ओवरवेलमिंग पावर है कैबिनेट के अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, क्योंकि देखिए मंत्री प्रधानमंत्री के आशीर्वाद पे हैं, इसको तो समझना पड़ेगा। जिस तरह से पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेजिस्लेचर में अपनी पकड़ बनाए रखनी है, इसी तरह से हो ये गया है कि मंत्री
प्रधानमंत्री की नज़र में या उनके सामने अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर समय प्रयास करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर कैन डायरेक्ट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैन डायरेक्ट द होल कैबिनेट अकॉर्डिंग टू हर और हिज विल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए ही फिर यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ क्रिटिक्स, कुछ पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं कि भाई इतना महत्वपूर्ण जब असर है प्रधानमंत्री का पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, पूरी कैबिनेट पे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट तभी बनी अगर मेजॉरिटी है उनके पास लोकसभा में, तो इस तरह से प्रधानमंत्री का पूरा असर भी है लोकसभा में। और लोकसभा राज्यसभा के मामले में बात करें तो लोकसभा दुगनी स्ट्रेंथ रखती है राज्यसभा के कंपैरेटिवली, तो ओवरऑल इस कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट पे ज़्यादा दबाव है प्रधानमंत्री का, ज़्यादा असर है प्रधानमंत्री का, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे में इसे ना तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना तो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्रिटिक्स कहते हैं इसे कहिए प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ब्रिटेन में भी कुछ क्रिटिक्स इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, इंडिया में भी इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ये एक तरह का नाम पुकारा जाता है। वैसे इंडिया में पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसे कई बारी वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन में, लंदन में जहाँ ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो जगह वेस्टमिंस्टर है, जैसे भारत में दिल्ली जगह है, इस तरह से ही उसका नाम फिर पार्लियामेंटेरियन या वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पड़ गया। लेकिन क्रिटिक्स के माध्यम से इसे आप प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। उसका एक तर्क वो ये भी देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इतने मजबूत हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं कंट्री के, वो सिर्फ एक नॉमिनल पोजीशन पर ही काम कर रहे हैं। जो भी काम होगा वो ऑन द नेम ऑफ द स्टेट होगा, स्टेट माने राज, और जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो प्रेसिडेंट हैं। हमारी कंट्री में हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, बट द हेड ऑफ द स्टेट इज़ दैट इज़ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो हैं वो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं। ऐसे में वो ये कहते हैं कि हेड ऑफ़ द स्टेट की पोजीशन है प्रेसिडेंट की, इट इज़ अ नॉमिनल पोजीशन, इट इज़ अ रबर स्टैम्प पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट देता है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही काम करना है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है। तो एक तरह से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की ही एड एंड एडवाइस से काम कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मेन कड़ी है, मेन लिंक है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर इज़ अ मेन लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट ऑल्सो। तो प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करना है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर एक नॉमिनल पोजीशन पर माने गए हैं। 5 साल के लिए प्रेसिडेंट आते हैं, उनकी फिर प्रक्रिया चुनाव की अलग है। जैसे देश के MP डायरेक्ट इलेक्टोरेट्स के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि वोटर के द्वारा चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्टोरेट्स नहीं चुनते, प्रेसिडेंट को चुनता है इलेक्टोरल कॉलेज। ये इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है ये लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर से मिलकर के बनता है, और यही इलेक्टोरल कॉलेज फिर आगे राष्ट्रपति को चुनता है। जैसे MPs के इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब सीधे वोट डालते हैं आप, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा हो रहे हैं ये भी इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। तो प्रधानमंत्री की चुनी जाने प्रक्रिया और राष्ट्रपति की प्रक्रिया में बहुत अंतर होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 5 वर्ष के लिए वह चुने जाते हैं, एक नॉमिनल पोजीशन उन्हें माना गया है। पहले मैं आपको अब इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टेट का भी कंसेप्ट बता दूँ, फिर मैं ऑल इन ऑल आपको ये समझाऊँगा कि क्यों हम फॉलो करते हैं पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा हम स्टेट में देख पा रहे हैं, जैसा हमने सेंटर में देखा, जो हम वहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसा ही कंसेप्ट स्टेट माने, यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य, राज नहीं राज्य। तो जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, राज्यों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री जैसे केंद्र में हैं, इस तरह से मुख्यमंत्री राज्यों में होते हैं, चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की और एक्चुअल गवर्नमेंट सिस्टम की, उसे हमें समझना ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर जो हैं उन पर भी यही मैंडेट है कि चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को राज्य में, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर जो है एक तरह की सरकार है, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव है, और ये वही होगी जिसके पास या तो जिस पार्टी की
वहाँ की विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी सीट्स होंगी या जिस कॉलिशन की मेजॉरिटी सीट्स होंगी, तो मेंबर ऑफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज MLA, सारा प्रोसीजर प्रधानमंत्री वाला और मंत्रियों वाला सेम है, राज्यों में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक परिवर्तन यहाँ पर आ जाता है, जैसे सेंट्रल लेवल पर प्रेजिडेंट इज़ अ नॉमिनल पोजिशन और प्राइम मिनिस्टर इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, स्टेट में ये वेरी कर जाता है। स्टेट में प्रेजिडेंट की पोजिशन को रिप्लेस कर रहे हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। लेकिन अब यहाँ पर हो ये जा रहा है कि जिस तरह से सेंटर में जो है, यानी कि देश के स्तर पर केंद्र में राष्ट्रपति की नियुक्ति एक इलेक्शन से हो रही है, चाहे वो इनडायरेक्ट ही थे, जो वोटर हैं वह इलेक्टोरेट नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्टोरल कॉलेज है। लेकिन जो गवर्नर है ये अपॉइंटेड रहते हैं, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, और इन्हें अपॉइंट करने की पूरी शक्ति केंद्र सरकार के पास है। मैंने इन्हें अपॉइंट तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एजेंट एडवाइस पे काम करेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हेड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो मोस्टली प्रधानमंत्री और जो कुछ उनके गिने चुने मंत्री हैं जिन्हें वो सही मानते हैं, उसका लिफाफे बंद पैकेट में नाम डाल करके राष्ट्रपति को दे दिया जाता है, और राष्ट्रपति उन्हें ही गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। गवर्नर का कोई फिक्स कार्यकाल भी नहीं है, जैसे राष्ट्रपति का तो 5 वर्ष था। गवर्नर को रहना है ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे उन्हें रहना है, मतलब इनडायरेक्ट वे में जब तक प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार चाहे तब तक गवर्नर उस राज्य में रहते हैं, या तो उनका तबादला कर देंगे या उन्हें हटा के किसी और को वहाँ नियुक्त कर देंगे। मुद्दा ये है कि गवर्नर एक तरह से सेंटर के नॉमिनी के तौर पर, सेंटर के एजेंट के तौर पर राज्यों में अपॉइंट हो जाते हैं, और ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गवर्नर के पास कुछ शक्तियाँ हैं। अब यहीं से कन्फ्लिक्ट आते हैं, जहाँ एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को कुछ मैंडेट दे रहा है, कुछ कमांड दे रहा है, वो ये दे रहा है कि गवर्नर जो है राज्य का, उसे जो जनता के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट की एजेंट एडवाइस से काम करना है, मतलब कि चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्री जो हैं उनसे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी है उसकी एजेंट एडवाइस पर काम करना है गवर्नर को, ये संविधान कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो गवर्नर है वो सेंट्रली अपॉइंटेड नॉमिनी हैं, उनके एजेंट है, तो वो सेंटर के एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं। यहाँ पर ही सारी पोजीशन प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि गवर्नर को यह शक्ति भी है कि गवर्नर राज्य की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, आप इस सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर गवर्नर जो हैं राज्य सरकार के बहुत से निर्णयों को रोक भी सकते हैं केंद्र सरकार की अनुमति के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के बहुत से लॉज को रोक सकते हैं सेंट्रल परमिशन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के लिए, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस तरह से एक गवर्नर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को सक्सेसफुली निभाना है, वो काफ़ी हद तक पॉलिटिकल पार्टी ड्रिवन पॉलिटिकल सिस्टम के तहत एक पॉलिटिकल पार्टी से उभर करके आई केंद्र की सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंटेड होने की वजह से पॉलिटिकल बॉडी की तरह बड़े पैमाने पर यूज़ हो जाते हैं, और इसकी वजह से ही जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री कई बार आपत्तियां जताते हैं कि राज्यपाल हमें काम नहीं करने देते। ये आपने लगातार दिल्ली के मामले में सुना होगा, हालांकि दिल्ली को कंप्लीट स्टेटहुड प्राप्त नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी है इस मामले में कि अक्सर ये आरोप लगाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कि जो LG हैं, क्योंकि उसे पूरा स्टेटहुड मिला नहीं है तो वहाँ पर गवर्नर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कि जो LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वो हमें काम नहीं करने देते हैं, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। इस तरह से अदर राज्य भी ये आरोप कई बार आपको लगाते दिखते हैं। ये सबसे प्रबल होता है जब केंद्र में और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है, तब ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन जब एक जैसी सरकार दोनों में हो, केंद्र में राज्य में, तो मिलजुल करके चलता है। एक जैसी सरकार मतलब एक ही पार्टी की सरकार, उदाहरण के तौर पर केंद्र में BJP है राज्य में कांग्रेस, तो ये कन्फ्लिक्ट बहुत स्ट्रांग नज़र आएगा। लेकिन अगर केंद्र राज्य में BJP ही है या केंद्र राज्य में कांग्रेस ही है, फिर ये बहुत ही ख़त्म हो जाता है, ये कन्फ्लिक्ट फिर नज़र में नहीं आता। लेकिन ये भी एक सिस्टम पार्लियामेंटेरियन फॉर्म का है कंट्री में, जिसमें एक गवर्नर सिस्टम है राज्यों में, और जिस गवर्नर की ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट भी निभाना, और दूसरी तरफ वो एक तरह से एजेंट भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसे अपॉइंट राष्ट्रपति ने किया, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस तरह से केंद्र राज्य के स्तर पर एक पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने दिया, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा उभर करके आया। सवाल ये बड़ा उठता है कि भारत ने पार्लियामेंटेरियन फॉर्म क्यों, अगर हम इतिहास में ही इसे पढ़ रहे हैं कि किस तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई इंडिया में, तो फिर पार्लियामेंटेरियन फॉर्म को चुनने की तरफ जो
कदम उठे, ये किस वजह से उठ गए, इसके पीछे की क्या बुनियादी कंसिडरेशन थी, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है।